हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। इससे पहले वाला जो पार्ट था उसमें हमने देखा था कि किस तरीके से एनर्जी फ्लो होता है। तो एनर्जी फ्लो के अंदर हमने देखा था किस तरीके से फूड चेन है, फूड वेब है, और बहुत से जो बायोटिक कम्युनिटीज है उनका इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, अच्छे तरीके से हमने वो देखा था। तो अब फूड फ्लो के बाद उसमें दूसरा टॉपिक था न्यूट्रिएंट साइकिल। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइकिल जिसको हम बायो जियो केमिकल साइकिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल। इसमें देखते क्या होता है। न्यूट्रिएंट साइकिल का मतलब यह होता है कि जिस तरीके से वो एक फूड चेन में इंटर करता है, फिर वो वापस चला जाता है एनवायरमेंट में। जैसे कि मान लीजिए प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स को जो कंज्यूम करते हैं कंज्यूमर, ठीक, तो प्लांट से वो न्यूट्रिएंट्स जो हुआ कंज्यूमर से आया, कंज्यूमर में आया, तो कंज्यूमर के डेड होने के बाद, मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसी तरह प्लांट्स के मरने के बाद भी प्लांट्स की भी डेड बॉडी जो होती है उसको भी डिकम्पोज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पर आपको डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होगा जो कंज्यूमर के भी डेड बॉडी को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, और जो प्लांट्स होंगी उनकी डेड बॉडीज को भी डिकम्पोज करेगा। अब यह डिकम्पोज होने के बाद जो मिनरल्स हुए, जो न्यूट्रिएंट्स हुए, वो क्या करते हैं, वो सॉइल में मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मिनरल्स होंगे ये सॉइल में मिल जाते हैं, और फिर सॉइल से मिनरल्स का यूज करके प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया। ये पूरी साइकिल है, प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स का यूज करके अपने ग्रो करते हैं, फिर कंज्यूमर उनको खाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूमर में आते हैं, और इन दोनों को मरने के बाद इनका डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन होता है तो वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में मिल जाता है, और अगेन सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स के यूज करके प्लांट्स अपने आप को ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से ये न्यूट्रिएंट साइकिल चलता रहता है। ठीक है, अब न्यूट्रिएंट साइकिल के दो तरीके हैं। एक तरीका होता है ऑन रिप्लेसमेंट पीरियड। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है रिप्लेस करना। ठीक है, यानी कि जब न्यूट्रिएंट खत्म हुआ तो अगेन उसको रिप्लेस करने के लिए उसकी जगह पे कोई दूसरा न्यूट्रिएंट तुरंत आ जाए, यानी कि फास्टली। ठीक है, ये दो तरीके से होता है, एक परफेक्ट होता है और एक इम्परफेक्ट होता है। परफेक्ट में क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड एज फास्ट एज दे आर यूटिलाइज्ड, यानी कि जैसे ही मान लीजिए कि जैसे ही कंज्यूमर ने इस प्लांट का जो न्यूट्रिएंट था उसको यूज कर लिया, तो फिर प्लांट में न्यूट्रिएंट तुरंत सॉइल से वहां पे आना चाहिए, बहुत ही फास्ट होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं परफेक्ट साइकिल। ठीक है, तो मोस्टली जो गैसीय साइकिल होते हैं वो परफेक्टली होते हैं। तो गैसीय साइकिल जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, वाटर भी तो गैसीय साइकिल है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। ठीक है, उसके बाद दूसरा होता है इम्परफेक्ट। तो इम्परफेक्ट साइकिल में जो होता है ये सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं। सेडिमेंट्री साइकिल में क्या होता है कि मान लीजिए प्लांट्स ने, अब जैसे सॉइल है, सॉइल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो प्लांट्स यूज कर लेते हैं, और कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो अर्थ के क्रस्ट में ट्रैप हो जाते हैं। अर्थ के क्रस्ट में जो रॉक्स होते हैं, सेडिमेंट रॉक्स होते हैं, उसमें वो फंस जाते हैं, यानी कि स्टक हो जाते हैं। तो इसकी वजह से कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो बेकार चल जाता है, अनयूजेबल हो जाता है वो। ठीक है, तो सम न्यूट्रिएंट्स लॉस्ट फ्रॉम एनवायरमेंट एंड गेट लॉक्ड इनटू सेडिमेंट्स। सेडिमेंटरी जो रॉक्स होते हैं वो उसमें फंस जाते हैं, तो कुछ जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो यूज नहीं हो पाते। तो इस तरीके का जो साइकिल होता है उसको कहते हैं हम इम्परफेक्ट। ठीक है, दूसरा टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेयर। रिजर्वेयर का मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है कहाँ वो स्टोर हो रहे हैं। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, गैसियस एक, एटमॉस्फेरिक एक, सेडिमेंटरी। तो गैसियस टाइप के जो साइकिल होते हैं जैसे कि कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये गैसियस साइकिल है। तो इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो स्टोर होते हैं एटमॉस्फेयर में। दिस इज एटीएम मींस एटमॉस्फेयर। वहीं जो सेडिमेंटरी रॉक्स होते हैं, अभी मैंने कहा कि वो कहाँ स्टोर होते हैं, वो अर्थ क्रस्ट के जो लिथोस्फेरिक ये प्लेट्स होते हैं, ठीक है, रॉक्स होते हैं, ये उसमें जाके स्टोर होता है, यानी कि रिजर्वेयर के बेसिस पर ही दो तरीके के हो जाते हैं। ठीक, तो ये समझ में आया। अब हम बारी बारी से पढ़ेंगे कि गैसियस जो साइकिल है इसमें कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गैसियस साइकिल में वाटर साइकिल, कि वाटर साइकिल किस तरीके से होता है। वहां पर मैंने कुछ प्रोसेस लिखे हुए हैं। ठीक है, तो जो वाटर साइकिल होता है
इसमें ये प्रोसेस काम आते हैं क्या, इवेपोरेशन, ट्रांसपायरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, डिपोजिशन, रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन एंड ग्राउंड वाटर फ्लो। इनका मतलब क्या होता है, इवेपोरेशन का मतलब जो गर्म होने के बाद वाटर वेपर के रूप में ऊपर चला जाता है। ट्रांसपायरेशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं, पत्तियां होती हैं, वो क्या करती है, ट्रांसपायरेशन के थ्रू ये वाटर को वो रिलीज करती हैं। ठीक है, तो ट्रांसपायरेशन हो गया, ट्रांसपायरेशन हो गया। कंडेंसेशन, अगेन कंडेंसेशन, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि रेनफॉल भी हुआ, उसमें आइसफॉल भी होता है, स्लिट वगैरह भी गिरते हैं। ठीक है, डिपोजिशन, डिपोजिशन का मतलब क्या हुआ, डिपोजिशन का मतलब ये हो गया कि इकट्ठा होना। ठीक है, वाटर क्या होता है, कई वाटर बॉडीज में इकट्ठा होता है। रन ऑफ, जो पानी बह के, बारिश होती है वो पानी बह के फिर समुद्र में चला जाता है, ओशन सीज में चला जाता है, रन ऑफ। ठीक है, इनफिल्ट्रेशन, वाटर क्या होता है, वो सीप करके अंडरग्राउंड में जाता है, जो बारिश होती है ग्राउंड पर तो वहां से वाटर सीप करके नहीं कि रिंस कर वो अंडरग्राउंड में चला जाता है, दिस प्रोसेस कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। उसके बाद ग्राउंड वाटर फ्लो, जो ग्राउंड वाटर में पानी फ्लो करता है वो ग्राउंड वाटर हो गया। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस जो होते हैं ये वाटर साइकिल में यूज किए जाते हैं। अब मान लीजिए थोड़ा सा फिगर बनाने की हम कोशिश करते हैं। ये प्रेसिपिटेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेशन हुआ, तो इसकी वजह से अब पानी नीचे आया। मान लीजिए वहां कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, ये क्या है, वाटर बॉडी। ठीक है, वाटर बॉडी, तो यहाँ डिपोजिशन हुआ वाटर का। ठीक है, यहाँ पर डिपोजिशन हुआ इस वाटर बॉडी में वाटर का। अब यहां से कुछ वाटर जो है इनफिल्ट्रेट रिस करके यहां जाएगा, ये ग्राउंड वाटर में जाएगा। ठीक है, ये ग्राउंड वाटर में जाएगा। अगेन ये ग्राउंड वाटर से कभी कभी क्या होता है कि लाइक गीजर्स की तरह ये क्या होते हैं, ये या फाउंटेन की तरह ये वाटर ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहां से वाटर ऊपर आया, ठीक, यहां पर वाटर ऊपर आ गया, फिर यहां पर कहीं एक्यूमुलेट हुआ, डिपोजिशन उसका होगा। ये वाटर जो प्रेसिपिटेट हुआ ये कहीं रन ऑफ होके कहीं ओशंस में चला जाएगा। ठीक, अब अगेन यहां से जो वाटर था ये इसका भी क्या होगा, वेपराइजेशन होगा, इसका भी क्या होगा, वेपराइजेशन होगा। अब यहां से भी अगर ये रिवर है वाटर बॉडी, तो यहां से भी रन ऑफ के थ्रू ये क्या करेंगे, ओशंस में चले जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसकी साइकिल जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, आप अपने हिसाब से फिगर बना सकते हैं। मेन समझने का ये मतलब है कि प्रेसिपिटेशन हुआ, पानी यहां इकट्ठा हुआ, अब यहां पानी इकट्ठा हुआ तो यहां से कुछ इन्फिल्ट्रेट करके ग्राउंड वाटर में जाएगा, ग्राउंड वाटर वो अलग एक फ्लो होता है, वहां से गीजर या फाउंटेन के थ्रू ये फिर सरफेस पर, जो लैंड सरफेस होता है वहां पर आता है, और ये भी क्या होता है, यहां से भी वाटर रन ऑफ करके सी में जा सकता है। ये रिवर है तो यहां से भी वाटर रन ऑफ करके सी में जा सकता है। इसके बाद अगेन यहां पर हीट के थ्रू वेपोराइजेशन होगा, यहां पर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होने के बाद फिर प्रेसिपिटेशन होगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। आई होप कि आपको वाटर साइकिल समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बन एंड नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, सेकेंड कार्बन साइकिल, यहाँ पे मिलने तीन प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन एंड डिकम्पोजिशन। ठीक है, CO2 तो मेनली जो कार्बन है ये CO2 के फॉर्म में ही हमारे एटमोसफेयर में है, तो यहाँ से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इसको प्लांट्स लेते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। फिर प्लांट्स क्या करते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर्स यानी कि यहाँ पर फूड तैयार करते हैं। ठीक है, अब ये फूड क्या होता है, एनिमल्स में जाता है, जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं उनमें जाता है ये। ठीक, या फिर जो एनिमल्स एनिमल को खाते हैं तो इनडायरेक्टली प्लांट वाला ही तो एनर्जी उनमें भी जाएगा, तो सेम चीज वहां पर। ठीक, अभी एनिमल है, एनिमल रिस्पायरेशन करते हैं, रिस्पायरेशन के थ्रू कुछ कार्बन जो होता है ना कि जैसे सांस छोड़ना या सांस लेना, तो सांस छोड़ने में भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो उससे फिर क्या है कि CO2 एटमोसफेयर में जाता है। अगेन प्लांट्स और एनिमल्स दोनों डेड होते हैं तो उनका डिकम्पोजिशन होता है, बायोडिग्रेडेशन, तो उनसे जो मिनरल्स ये न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। साथ ही साथ
जो एनिमल्स के वेस्ट मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल जैसे कि उनके यूरिनल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वेस्ट मटेरियल्स, तो उनका भी बायोडिग्रेडेशन होता है, तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। अगेन इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यूज करता है? प्लांट यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कार्बन साइकिल। इसके बाद देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा बड़ा है, ठीक है, उसको थोड़ा अच्छे से समझना भी है, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ओके, ठीक है, नाइट्रोजन ये जो होता है ये मेनली प्रोटीन का एक काफी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होता है या फिर उसका पार्ट होता है, ठीक है, और उस प्रोटीन से टिश्यूज बनते हैं, और उस प्रोटीन में नाइट्रोजन का जो वेट होता है उस प्रोटीन के वेट का लगभग 16% होता है, ठीक है। अब देखिए जो फ्री नाइट्रोजन होते हैं एटमोसफेयर में, नाइट्रोजन इज अप्रोक्स काफी ये 78% के आसपास में है और ये काफी ह्यूज क्वांटिटी में है, लेकिन उस नाइट्रोजन को जो फ्री फॉर्म में है उसको यूज नहीं किया जा सकता। उसको यूज करने के लिए उस नाइट्रोजन को या तो नाइट्राइट या फिर उसको नाइट्रेट में बदलना पड़ता है। किसमें? या तो नाइट्राइट या फिर नाइट्रेट में बदलना पड़ता है, ठीक है। तो इसको बदलने के लिए नाइट्रेट या नाइट्राइट में तीन प्रोसेस है। एक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोसेस करते हैं, ठीक है, दूसरा मैन करता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस में जैसे आपने देखा हो कि अमोनिया से रिलेटेड फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू हम नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। और थर्ड एक प्रोसेस होता है एटमोस्फेरिक फिनोमिनन के थ्रू, जैसे कि थंडर या लाइटनिंग के द्वारा, ठीक है। तो ये काफी लिमिटेड है, मेनली जो होता है ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू होता है, ये काफी प्रोडक्शन होता है मैन के थ्रू, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू हमें पढ़ना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो होता है वो मेनली, ठीक है। अब देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं वो दो तरीके से होता है। एक जो माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं वो एक होते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया और एक होते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का मतलब ये होता है कि जैसे आपने सुना होगा लेग्यूमिनस प्लांट, यानी कि फलीदार पौधे, ठीक है, तो फलीदार पौधे में इस तरीके के बैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब कि ये जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट और ये बैक्टीरिया एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके की बैक्टीरिया जो होते हैं ये लेग्यूमिनस प्लांट के साथ ही मिलते हैं, तो इसलिए इनको सिम्बायोटिक नेट्रोफाइल लिविंग बैक्टीरिया कहते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि राइजोबियम है और कुछ ग्रीन एल्गी भी है, ठीक है, और एक बैक्टीरिया होता है फ्री लिविंग बैक्टीरिया, यानी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ नहीं पाया जाता है, ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। तो इस तरीके के बैक्टीरिया लाइक एरोबैटिक अजोबैक्टर, ठीक है, और एक एनारोबिक क्लॉस्ट्रिडियम होता है, ठीक है, ये दो तरीके के यहाँ पर बैक्टीरिया है। तो दो तरीके से हुआ, एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो लेग्यूमिनस प्लांट के साथ होते हैं और एक नॉन सिम्बायोटिक यानी कि फ्री लिविंग बैक्टीरिया, ये होता है। अब देखिए जो प्रोसेस है मैंने कहा जिसे क्या करते हैं कि नाइट्रोजन को अमोनिया में चेंज होता है, फिर अमोनिया को फिर नाइट्राइट या नाइट्रेट में चेंज करते हैं। तो अमोनिया से नाइट्राइट में चेंज किया जाता है, उसके लिए जो बैक्टीरिया यूज होता है उसका नाम है नाइट्रोसोमोनास, ठीक है। अमोनिया को जब नाइट्राइट में बदलते हैं तो जिस ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बदला जाता है उस माइक्रो ऑर्गेनिजम को हम कहते हैं, ये बैक्टीरिया को कहते हैं नाइट्रोसोमोनास, और फिर नाइट्राइट को जब नाइट्रेट में बदला जाता है तो वो जिस बैक्टीरिया के द्वारा बदला जाता है उसको कहते हैं नाइट्रोबैक्टर। ओके, तो ये तो टेरेस्ट्रियल हुआ, लैंड पर जो होता है। ओशियंस में एक स्पेशल डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है स्यूडोमोनास। ये क्या करता है, नाइट्राइट या नाइट्रेट को एलिमेंट्री नाइट्रोजन में चेंज करता है, और ये नाइट्रोजन क्या होता है फिर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ये क्या है, ये जो बैक्टीरियाज थे ना, ये बैक्टीरिया हुए या फिर ये सब बैक्टीरिया, ये क्या है, नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में चेंज करते हैं। और ये जो स्यूडोमोनास है नाइट्रिफाइंग नहीं है, ये डीनाइट्रिफाइंग है, यानी कि ये क्या करते हैं जो नाइट्राइट या नाइट्रेट बन चुके होते हैं उनको अगेन एलिमेंट्री नाइट्रोजन में चेंज करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया। ओशियंस में पाया जाता है, ये स्पेशल टाइप के कुछ बैक्टीरिया होते हैं।
तो ये हमारी थ्योरी होगी और ये हमारा फिगर है, ठीक है। नाइट्रोजन एटमोसफेयर में है, ठीक। डीनेट्रिफाइंग बैक्टीरिया, इसने क्या किया कि इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज किया, ठीक है। नाइट्रेट में चेंज हुआ NO3-, ओके। यहां तक समझ में आया। अब यहां से नाइट्रोजन देखिए, अब यहां पे ये प्लांट्स बना हुआ है, इस प्लांट्स, ये लेग्यूमिनस प्लांट है, तो इस लेग्यूमिनस प्लांट्स के पास कौन से बैक्टीरिया होंगे? ये होंगे सिम्बायोटिक नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम। तो यहां पर जो बैक्टीरिया है, इन्होंने लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ रहने वाले, यहां पर इन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन हुआ, अगेन यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर जो सॉइल में पाए जाते हैं बैक्टीरिया, लिविंग स्टेट वाले माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे ना यहाँ पे फ्री लिविंग नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया लाइक अजोबैक्टर टाइप के, तो यहाँ पर पाए जाते हैं। इन्होंने यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की और इससे यहाँ अमोनिया बनाया, ठीक है। यहाँ अमोनिया बना, फिर अमोनिया को चेंज किया जाता है ना किसमें, नाइट्राइट में। तो अमोनिया को चेंज किया गया यहाँ पर, यहाँ पे कौन से बैक्टीरिया होंगे जो इसको नाइट्राइट में चेंज करेंगे, ठीक है। नाइट्राइट में चेंज करने वाले बैक्टीरिया होंगे नाइट्रोसोमोनास, और फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट में चेंज करेंगे नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा चेंज हो जाता है नाइट्राइट में, तो नाइट्राइट में यहाँ पर चेंज होकर पहुंचता है, यानी कि इधर से भी चेंज होकर यहाँ पर पहुंचा जो, तो यहाँ से चेंज एटमोस्फेयर के थ्रू पहुंचा, और यहाँ से जो सॉइल में नाइट्रोजन था और सॉइल में जो बैक्टीरिया थे उन्होंने उसको नाइट्रिफाई करके यहाँ पर पहुंचाया। अब यहाँ पर ये पहुंचा, अब यहाँ से पहुंचा जाए तो क्या होगा, इसको प्लांट्स लेंगे, प्लांट्स लेंगे तो अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स, ये प्लांट्स एनिमल्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स में गए, फिर प्लांट्स के मरने के बाद डेट्रिटस जो होते हैं, डेड बॉडीज में जो डिकम्पोजिशन होता है, और डिकम्पोजिशन से ये क्या होती है, जो डेट्रिवोरस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं कि फिर डिकम्पोजिशन के थ्रू इस जो नाइट्राइट था इसको अमोनिया में चेंज कर देते हैं, ठीक है। अमोनिया में चेंज कर देते हैं तो अगेन अमोनिया बना, तो फिर ये प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ये समझ में आया। और उसके बाद ये जो स्यूडोमोनास जो होते हैं ओशंस वगैरह में होते हैं, ये क्या करते हैं, डीनाइट्रिफाइंग करते हैं, ये जो पहले नाइट्राइट या नाइट्रेट्स बन चुके हैं इनको फिर एलिमेंट्री नाइट्रोजन में चेंज करके ये स्पेस में या फिर एटमोसफेयर में ये रिलीज करते हैं, इस तरीके से नाइट्रोजन फिर रिलीज हो जाता है और ये साइकिल इस तरीके से चलता रहता है, ठीक है। फिगर याद रखिएगा, फिगर याद रखिएगा तो, और ये चीज थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा, इतना काफी है क्योंकि बाकी फिगर में सब कुछ लिखा हुआ है तो आप फिगर को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद हम देखेंगे सेडिमेंट्री साइकिल, वो हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में, और उसमें ही हम डिस्कस करेंगे जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसको खत्म करेंगे उसमें, ठीक है। तक लिए बेस्ट ऑफ लक।